हूँ रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेके आए हैं, पनीर नर्मदा ढाबा स्टाइल। फ्रेंड्स, पनीर नर्मदा ढाबा स्टाइल बहुत ही आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं और घर में सभी लोग बहुत ही लाइक करते हैं। पनीर की कैसी भी सब्जी हो हम फटाफट घर में तैयार कर सकते हैं। आइए, इस यूनिक रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने क्या क्या सामान यहाँ पे यूज में लिया है बताते हैं। फ्रेंड्स, पनीर नर्मदा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर, थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची धो के कट कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया हमने धो के कट कर लिया है, एक चम्मच हमने यहाँ पे खस के बीज लिए हैं, एक चम्मच तिल, थोड़े से काजू और एक कप मैदा, और हमने यहाँ पे तीन कलर की शिमला मिर्च ली है, एक बड़ा टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन यहाँ पे हमने लिया है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जार में खसके बीज, तिल, काजू, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के बारीक पीस लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें पानी नहीं डालना है और इसको पीस लेना है। अगर जरूरत पड़े तो एक चम्मच इसमें दही का डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से और एकदम बारीक पीस लिया है, इसको बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने पेस्ट को बाउल में निकाल लिया है, अब हम एक चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे या आप इस तरह से एक पाउच भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए अब हम सबसे पहले पनीर को कट कर लेते हैं ताकि हम पनीर नर्मदा तैयार कर सकें, पनीर में कोटिंग कर सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेंगे, इसको हम पनीर को ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। देखिए, मैंने इसको बीच में से भी इसके दो बराबर पीसेस काट कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल शेप में हमने पीस कट कर लिए हैं। पर ये काफी भी मोटा है इसलिए हम इसको एक एक बार बीच में से और काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पनीर के पीसेस हमने कट कर लिए हैं, अब हम इसमें स्टफिंग कर देंगे। जैसे हम सैंडविच में मसाला भरते हैं उसी तरह से हमें इसमें मसाला भर देना है और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देना है। इस तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पनीर के पीसेस में स्टफिंग कर ली है। मैं ये 4 मेंबर्स के हिसाब से तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो ज्यादा भी तैयार कर सकते हैं। बचे हुए मसाले को हम ग्रेवी में काम में ले लेंगे। आइए अपन मैदा तैयार करते हैं। तब तक फ्रेंड्स, बाउल में हम मैदा डाल लेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम इसकी पनीर पर कोटिंग कर देंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने जो पेस्ट तैयार किया है इसमें हम इस तरह से इसको डिप कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे।
पनीर के पीसेस को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और बाकी सभी पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए लुकिंग में भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने सभी पनीर के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है, देखिए एकदम सॉफ्ट है। आइए अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 कलर की कैप्सिकम ली हैं, इनको हम लंबा लंबा काट लेंगे। 2 बड़े साइज के प्याज, ये भी हमें लंबे लंबे काटने हैं। 2 चम्मच लहसुन हमें बारीक कट करना है, और हरी मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो बारीक कट करें, ना तो ना करें। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी सब्जियों को लंबा लंबा कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, जो भी रिफाइंड ऑयल आप यूज में लेते हैं वो आप गर्म होने रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऑयल गरम हो गया है, हमने इसमें जीरा डाल दिया है। सबसे पहले लहसुन फ्राई कर लेंगे। प्याज डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है, थोड़े से काजू के पीसेस डाल दिए हैं, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, 3 कलर्स की शिमला मिर्च जो हमने कट करी है। और 3-4 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। टमाटर भी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने नमक और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप सफेद मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर डाल के बनाना चाहते हैं सब्जी को, तो आप इसमें हल्दी नहीं डालें। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, इसलिए मैंने हल्दी डाली है। अब हम इसमें लाल मिर्ची भी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्ची डाली है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत ही लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रही है। फ्रेंड्स 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे, और 1 चम्मच इसमें हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। ये मैंने रेड चिली सॉस भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लाल मिर्ची तीखी वाली खाते हैं तो आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फ्रेंड्स हम लोग मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं यूज में लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची डाली है। इसमें मैं 1-2 ड्रॉप रेड कलर के डाल दूंगी ताकि कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा सब्जी का, आप चाहें तो डालें। देखिए फ्रेंड्स एकदम अच्छे से मसाले तैयार हो गए हैं, पक भी गए हैं। अब हमने जो मैदा का पेस्ट बनाया था, बचा हुआ जो पेस्ट है उसमें से हमने 1 चम्मच यहाँ पे पेस्ट ले लिया है। इसमें हम पानी मिलाकर के पतला कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच मैदा का पेस्ट ले लिया है, इसको पतला कर लेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है बचा हुआ तो आप 1 चम्मच मैदा पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको सब्जी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स
मैंने सब्जी में पानी का यूज कहीं भी नहीं लिया है। हम पानी की जगह इसमें दूध डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक कप दूध डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। पनीर के पीसेस डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड आज की हमारी रेसिपी पनीर नर्मदा बिल्कुल तैयार है। अब आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स पनीर नर्मदा बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दिया है। अब आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।